उत्तर प्रदेश में सियासी गहमा गहमी बढ़ती ही जा रही है और शिवपाल सिंह एक बार फिर चर्चाओं में हैं। शिवपाल के संभर के गुन्नौर आगमन की खबरों ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि सपा की ओर से इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन गुन्नौर से जिस तरह की तैयारियां प्रसपा की ओर से चल रही हैं, इससे ये तो तय हो गया है कि गुन्नौर में शिवपाल सिंह अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल गुन्नौर विधानसभा सीट मुलायम सिंह यादव की मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव 2004 में गुन्नौर से चुनाव लड़े थे और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। इस दौरान सपा परिवार के सभी बड़े सदस्यों ने यहां प्रचार किया। शिवपाल यादव समेत रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी यहां मुलायम सिंह यादव के लिए जनता से वोट मांगे और इस दौरान शिवपाल सिंह यादव की लोकप्रियता भी जनता के बीच बढ़ गई और इसी लोकप्रियता का फायदा अब शिवपाल सिंह उठाना चाहते हैं। और इस बार खबर है कि शिवपाल सिंह यादव गुन्नौर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जहां एक तरफ शिवपाल की गुन्नौर में एंट्री हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा में इस सीट को लेकर होड़ मची हुई है। गुन्नौर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी शिवपाल की एंट्री के बाद से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पार्टी गुन्नौर की जनता से शिवपाल के संवाद को लेकर रणनीति बना रही है। प्रसपा के जिलाध्यक्ष कैप्टन सर्वेश यादव ने इस बात पर मुहर भी लगा दी है कि शिवपाल इस बार जसवंत नगर सीट की बजाय गुन्नौर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शिवपाल की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन पोस्टर्स और सोशल मीडिया पर हो रहा प्रचार प्रसार इस बात की गवाही दे रहा है कि शिवपाल जनता से उन्हें विजयी बनाने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन शिवपाल की एंट्री से सपा में खलबली मच गई है। सपा की ओर से अभी कोई भी नेता इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देने से बच रहा है, लेकिन शिवपाल के गुन्नौर में कदम रखने से विधानसभा सीट का मुकाबला मजेदार हो गया है।